गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू गुरु एडी चैनल। सो गाइस आप लोगों के डिमांड के हिसाब से मैं सीवी एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आ चुका हूं। जैसा कि आप लोगों ने कल की वीडियो में बहुत ही अच्छा मुझे प्यार दिखाया था, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो पे भी बहुत ही अच्छा आप लोग प्यार दिखाओगे। तो गाइस यहां पर एडिटिंग आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और एक एक चीज आपको जो है एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना अगर आप लोग एडिटिंग अच्छे से सीखना चाहते हो। और मुझे अभी तक आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो गाइस फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो है आप लोगों को अलग अलग कॉन्सेप्ट या फिर गाइस प्रोफेशनल एडिटिंग और सीवी एडिटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और गाइस काफी ऑसम जो एडिटिंग यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आप लोगों जो है कुछ भी डिमांड होता है एडिटिंग का, तो गाइस आप किसी भी फोटो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे इस टॉपिक पे ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूंगा और बहुत ही गाइस आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्यूटोरियल लाने की कोशिश करूंगा। और मुझे आप लोग गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे अपना फोटो टैग्स करते हो, जब एडिटिंग कर लेते हो तो मैं आपके फोटो को लाइक्स भी यहाँ पे करता हूँ और लाइक करने के साथ अगर जो मुझे फोटो अच्छा लगा मैं शेयर भी करता हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस भाई ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रोफेशनली सीवी एडिटिंग कर रखा है, जो कि यार बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो गाइस आप लोग भी इसी तरीके से करना और मुझे टैग करना, ठीक है? तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में नॉर्मल फोटो को ओपन कर लेना है एंड नॉर्मल फोटो को ओपन करने के बाद चलना है आपको टूल्स में और इसके अंदर आ जाएंगे कर्व टूल में। अब कर्व टूल में आने के बाद गाइस हम कर्व टूल की मदद से एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे और कोई सा आप कलर मत सेलेक्ट करना, जो पहले से रहता है गाइस व्हाइट कलर वही सेलेक्ट रहने देना, ठीक है? इस तरीके से एडजस्टमेंट कर लेना कर्व टूल की मदद से। और गाइस आप लोगों को कर्व टूल का नॉलेज नहीं है किस तरीके से यूज़ होता है और किस तरह से कलर ग्रेड होता है इसकी मदद से, तो इस टॉपिक पे आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो अब यहाँ से सिंपल डन करेंगे। अब गाइस डन करने के बाद देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर हमारा क्या लुक आ चुका है कर्व टूल की मदद से। अब गाइस इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में चलना है एंड यहाँ पर आने के बाद आर्टिस्टिक का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आर्टिस्टिक वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में आ जाना है और फैटल वन का आपको एक फिल्टर मिलेगा, तो इसे यूज़ करना है यहाँ पर एंड इस पर टैप करने के बाद गाइस ये ऑप्शन आ जाता है। तो अब गाइस इस पर फिर से हम टैप करेंगे फेटल वन पे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड मल्टीप्लाई पे हम कर देंगे, ठीक है गाइस देख सकते हो। एंड जो इसका फैड है गाइस थोड़ा सा आपको कम कर लेना रहेगा 44 एंड इरेजर में आएंगे। अब गाइस इरेजर में आने के बाद गाइस आप लोगों को बताता हूँ करना क्या है। तो गाइस सबसे पहले जो आपको सारे स्किन पार्ट से जो भी स्किन पर ये इफेक्ट आ रहे हैं तो स्किन पार्ट से आपको ये इफेक्ट इरेज कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। गाइज आप लोग काफ़ी अच्छे से आराम आराम से इरेज करना, तो मैं यहाँ पे वीडियो को फास्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से डन कर लेते हैं। अब गाइज देख सकते हो यहाँ पे हमने हटा लिया है तो काफ़ी अच्छा लुक आ चुका है हमारे बैकग्राउंड के अंदर और हमारे कपड़ों पे काफ़ी अच्छा चमक आ चुका है। तो यहाँ पर गाइज आप चलेंगे यहाँ पर टूल्स वाले ऑप्शन में एंड टूल्स वाले ऑप्शन में आने के बाद एडजस्टमेंट पे चलेंगे और इसका इस बार गाइज हम क्लियरिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इतना 12 एंड यहाँ पर हम हाईलाइट बढ़ा सॉरी माइनस करते हैं इतना हम 24 एंड शेडोज़ को हम प्लस करते हैं 17 कर लेते हैं, ठीक है? आप वैसे गाइज अपने फ़ोटो के मुताबिक करना ये वाला एडजस्टमेंट। और गाइज आप लोगों को चलना है ऐड फोटो में और एक ये सनलाइट का पीएनजी हमें ऐड करना है और इसका जो ब्लेंडिंग मोड है सबसे पहले आपको स्क्रीन कर देना है एंड स्क्रीन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको फ़ोटो में अपने लगा लेना है। आपके फ़ोटो में जहाँ पर अच्छा लगेगा इस लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ एंड इसका ऑपोसिटी जो है हल्का सा डाउन कर लेना ज़्यादा क्योंकि है ये एंड सिंपल यहाँ से आप डन करेंगे। अब गाइज देख सकते हो हमारा पिक्सआर्ट में वर्क कम्प्लीट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पर जो ड्रॉ टूल में चलूँगा और सेव कर लूँगा फ़ोटो को, फिर ऑटोडेस्क में चलते हैं। एंड गाइस यहाँ पर आने के बाद गाइस सबसे पहले आपको फेस को जो अपने स्मूथ करना होगा, तो फेस को स्मूथ करने के लिए गाइस हम जो ब्रश यूज़ करेंगे चलते हैं पहले ब्रश वाले टूल पे एंड ब्रश वाले टूल पे आने के बाद गाइस आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट करना है जो कि स्मर्ज नाम है इस ब्रश का एंड इसकी सेटिंग कुछ आप लोगों को ये रखना है फॉलो एट एंड स्ट्रेंथ को भी हम 8 कर लेते हैं और साइज़ तो अपने मुताबिक आप लोग रख सकते हो, तो यहाँ से भी जो है अपना साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हो, देख सकते हो इधर से। एंड साइज़ में आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यहाँ पे छोटा साइज रखना और इस तरीके से जो अपने फेस पे घिसोगे तो आपका फेस जो है स्मूथ होने लग जाएगा फोटोशॉप की तरह। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से स्मूथ कर लेता हूँ पूरे अपने बॉडी पार्ट्स को। और भाई आप लोगों को जो है आराम आराम से करना होगा, जल्दीबाजी में मत करना क्योंकि जल्दीबाजी में करोगे तो भाई फिर आपका फोटो अच्छा एडिट नहीं होगा। जितना टाइम अच्छा दोगे भाई उतना अच्छा फोटो आपका एडिट होगा, ठीक है?
तो हमने गाइस फेस को यहाँ पे स्मूथ कर लिया है, और स्मूथ करने के बाद गाइस अब जो है हम अपने हेयर स्टाइल बनाएंगे फोटो में। तो हेयर स्टाइल बनाने के लिए ब्रश को यही रहने देंगे, बस सेटिंग जो है आपको चेंज करना है। फोलो हम 27 कर लेते हैं एंड स्ट्रेंथ को भी हम 28 कर लेते हैं, एंड साइज़ तो आप अपने मुताबिक रख ही सकते हो। एंड इस तरीके से जो हम अपना हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करेंगे, देख सकते हो गाइस हमारा हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा बन रहा है इस तरीके से। आप लोगों को भी गाइस यहाँ पर कुछ इसी तरीके से अपना हेयर स्टाइल बनाना होगा। तो गाइस यही था आज की हमारी वीडियो में, आशा करता हूँ कि आप लोगों को यार एडिटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, और वीडियो में आप लोगों ने कुछ भी सीखा है तो यार वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके तारीफ कर देना प्यारा सा। तो गाइस चलिए ऐसे किसी नेक्स्ट एडिटिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।